हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लालसा का कुकर हुड, जो न्यूली लॉन्च हुआ है। स्लांट टाइप का मॉडल है, तो आइए चलिए देखते हैं। हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, प्रोडक्ट कैसा दिखता है, क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है और आपको अटैचमेंट में क्या चीज़ें मिलने वाली है। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि चिमनी की इंस्टॉलेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि मिस हैपनिंग्स ना हो और आपको किसी भी टाइप की इशू का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, मैं सबसे पहले मॉडल के बारे में बात करता हूँ। ये हमारा कॉस्मो मॉडल है, 60 सेंटीमीटर का। इसका जो साइज है हमारा वो 60 सेंटीमीटर का है और इसमें आपको मिलता है डिजिटल टच कंट्रोल पैनल विद मोशन सेंसर। इसमें आपको साथ ही 3 स्पीड मिलती है चिमनी की। और अगर मैं मोटर की बात करूँ तो हमारी इसमें हाइब्रिड मोटर है 217 वाट की। और चिमनी की सक्शन पावर देखी जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर के साथ ये चिमनी लॉन्च की गई है। इसकी सक्शन पावर है हमारी 1400 मीटर क्यूब बराबर। हमारा मॉडल नेम है कॉस्मो 60 BK MAC। 60 सेंटीमीटर का हमारा साइज है। स्लांट टाइप की चिमनी है, आपको दिख रहा है मॉडल सामने, चिमनी हमारी ये सामने रखी हुई है। प्लस में ऑटो क्लीन फिल्टर लेस चिमनी है हमारी ये। इसमें आपको ऑटो क्लीन फीचर साथ में मिलता है कि आपको अगर चिमनी को क्लीन करना है विद इन अ वीक या आफ्टर 10 डेज अगर आपको चिमनी क्लीन करनी है तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टच कंट्रोल पैनल पे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे आपका एक कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, आप मोशन सेंसर्स के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप टच के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सेंसर दिए हुए हैं, सेंसर टू सेंसर आपने हाथ वेव करना है जिससे आपकी चिमनी ऑन हो जाएगी। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये आपकी स्पीड्स दी हुई है। ये साथ में चिमनी में आपको एक रेक्टेंगल शेप में आपको एक LED लाइट मिलती है जो आपको मदद करती है आपके कुकिंग टाइम में, आपका खाना कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है सारी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। प्लस में आपको ये हीट क्लीन वाला ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा था ऑटो क्लीन, तो ऑटो क्लीन आपको करने के लिए हमेशा आपको इसको पुश करके रखना है सिर्फ 5 सेकंड के लिए। इसमें आपका ऑटो क्लीन फीचर ऑपरेट हो जाता है जिससे कि जो भी अंदर ऑयल आपका इसमें स्टिक होता है वो मेल्ट होकर के आपके इस ऑयल कलेक्टर में बाहर आ जाता है। ये ऑयल कलेक्टर साथ में मिलता है चिमनी के जो आपके डाउन साइड में लगा रहेगा हमेशा, जिसमें आपका वेस्ट ऑयल इकट्ठा होता रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट हमें मेन यूनिट मिलेगी, कॉस्मो मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ। एक साथ में आपको ऑयल कलेक्टर मिलेगा 7 सेंटीमीटर वाला ही। एक आपका एयर आउटलेट मिलेगा, ये आपकी फ्लेक्सिबल पाइप मिलेगी जो आपकी चिमनी में एग्जॉस्ट के लिए यूज़ होगी इंस्टॉलेशन टाइम पे। एक ये आपको साथ में हुड मिलता है, उसके साथ में आपको माउंटिंग ब्रैकेट मिलेगी और एक फुट सपोर्ट क्लिप मिलती है साथ में जो प्रोडक्ट को आपके बॉक्स के अंदर निकलेगी। और उसके साथ में जो आपके हार्डवेयर यूज होने वाले हैं वो हार्डवेयर भी आपको इन बॉक्स मिलने वाले हैं सारी चीज़ें। और साथ में आपका वारंटी का मैनुअल कार्ड जिसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, हाउ टू यूज, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू ऑपरेट, आपको किस टाइप की क्लीनिंग करानी है, किस टाइप से आपने इंस्टॉलेशन करानी है। अब चलिए इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं, जब भी आपने चिमनी इंस्टॉल करानी है तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि चिमनी के जो आपके फिल्टर हैं और प्लस में आपका जो कुकर हुड है उसका ग्लास, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कम डिस्टेंस रखेंगे तो मे बी ऑयली है ये चीज़ें, उनमें ऑयल स्टिक होता है तो फ्लेम लगने का खतरा हो सकता है कभी आग ना पकड़ने। और अगर हम ज़्यादा हाइट पे इनको रखेंगे तो मे बी सक्शन का इशू हमें फेस करने को मिलेगी, सक्शन अच्छे से नहीं करनी चाहिए। तो कितना हमें डिस्टेंस रखना है उस चीज़ के बारे में हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब भी इंस्टॉलेशन आपकी होती है। और मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि जिस ब्रांड से आप चिमनी परचेज करते हैं उन्हीं के ऑथराइज सर्विस सेंटर के थ्रू आप चिमनी की इंस्टॉलेशन कराएं, ताकि वो इस सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले सकें और सारी चीज़ें वो वारंटी में अच्छे से कवर कर सकें। तो आपने कितना डिस्टेंस रखना है चिमनी और कुकटॉप के बीच में, आपने 26 to 30 inches का डिस्टेंस रखना है, उससे ना ही आपने कम रखना है ना ही आपने ज़्यादा रखना है। तो ये आपका इंस्टॉलेशन का फर्स्ट प्रोसीजर है जो आपने हमेशा याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है कि आपके जो पाइप आता है हमेशा इनबिल्ड, कई बार दीवारों में हमारे घरों में इनबिल्ड पाइप होते हैं आजकल, तो कोशिश रखें कि 6 इंच का पाइप ही हमेशा लगाएं, क्योंकि उसमें आपकी सक्शन पावर स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। जितना आपका पाइप ज़्यादा छोटा होगा, साइज कम होगा, उतनी ही सक्शन पावर का और आपको नॉइस का इशू फेस करने को मिल सकता है। तो हमेशा आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है इंस्टॉलेशन टाइम पे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि पाइप में कम से कम बैंड आने चाहिए जब भी आप इंस्टॉलेशन कराएं। कोशिश करें कि आपका 1 या 2 बैंड में ही काम हो जाए।
अगर आपकी चिमनी का जो पाइप लग रहा है आउटलेट, उसमें अगर दो तीन वेंट से ऊपर अगर आ जाते हैं तो आपकी सक्शन वावर और प्लस में नॉइस, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। और कई बार कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं कि हमारी सक्शन चिमनी सक्शन बिगड़ रही है, स्मोक घर में हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किचन में चिमनी का यूज करें, आप अपनी विंडो ओपन ना रखें और ना ही आपको अपना कभी फैन यूज करना है, क्योंकि उससे धुआं आपका डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे कि चिमनी उसको कंप्लीटली सक नहीं कर पाती है। तो अभी फिलहाल मैं आपको इस चिमनी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी सक्शन पावर मैंने आपको बताई है 1400 मीटर की ऊपर आवर है, हाइब्रिड मोटर है 217 वोल्टेज के साथ में, जो इस प्रोडक्ट को काफी हद तक स्ट्रॉन्ग एंड सुपीरियर बनाती है। और इसकी अगर मैं बॉडी की बात करूं, मेटालिक बॉडी है, मैट फिनिश के साथ में ब्लैक बॉडी है, पावर कोटेड। सामने आपको फ्रंट ग्लास मिलता है 4mm का, जो कि काफी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव लुक देता है। और प्लस में आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं फिल्टर लेस चिमनी है और ऑटो क्लीन है। दूसरी बात, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि डिपेंड करता है आप कितना ऑयली खाना खा रहे हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर चिमनी में से कभी भी ऑयल लीकिंग के अगर आपको केसेस दिखे और आपको लग रहा है कि मेरी चिमनी को मोर देन 6 मंथ हो चुके हैं, तो आप चिमनी की डीप क्लीनिंग जरूर कराएं, क्योंकि डीप क्लीनिंग कराने से आपके प्रोडक्ट की लाइफ बनी रहती है। प्लस में जो मिसहैपनिंग्स होती हैं फायर केसिंग वाले, वो केसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑयल जब स्टिक हो जाता है तो जो आपका बॉडी के ऊपर ऑयल है वो तो ऑटो क्लीन से निकल आएगा, लेकिन जो मोटर के आसपास होता है वो ऑयल हमारा प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता है। तो ये थी हमारी कॉस्मो चिमनी, और अभी इसके साथ में हमारे आई कॉर्ब कुछ और मॉडल लॉन्च होने वाले हैं चिमनी के, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, मैं आपको शेयर करता रहूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।